बाप रे बाप दोस्तों, देख रहे हैं बहुत ही बिग साइज का। कहाँ सांप देख लिया है? सांप खाई कर रहा है तो अंदर एक बारू सांप निकला है। बारू सांप? हाँ साथियों, सेंट गोवा कहीं देखा जा रहा है और आज का जो रेस्क्यू ऑपरेशन का मुहिम का हिस्सा बने हैं हमारे एक ऐसे ही इंसान जिसे मत कहिए गॉड का दूसरा रूप। इंसानों को सांपों से बचाना और सांपों को इंसानों से बचाना यही खासियत है। बापिदा एक जिंदा दिल इंसान है, आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा लॉकडाउन में। तो हम अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं 12 लाख के करीब, बापिदा यूट्यूब चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर दिन ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने का मौका मिलेगा। हमेशा ज्ञान कि सांप काटने से क्या होता, कहां पर देखा? चलो 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 बाबा चलो, देख ले रहे हैं पूरा फॉरेस्ट हो गया। इसको सफाई करो और ब्लीचिंग का छिड़काव करवाओ। जी जी, सफाई कर रहे हैं तो मेरी सफाई कर रहे हैं। कहां बाबू सांप है बाबा? अंदर ना, अंदर अंदर कहां? कोना में? हां कोना में। अच्छा कोना में है। अच्छा ये कार्टून में? कार्टून में कोबा इतना समझ में है। हेलो, अरे अरे नसल है बहुत ही बिग साइज। बारू सांप नहीं है ये, नसल वाइपर है। बारू नहीं है भाई, ये तो नसल वाइपर बहुत बिग साइज का, बहुत बड़ा साइज, बहुत बिग साइज का। बापिदा हां हां जी जी, ये आप ही संभालिए, आप ही से हैंडलिंग होगा। ये क्या हो रहा है ना, सुन लीजिए, ये पंचायत में कुछ दिन पहले बहुत तेज का बारिश हुआ है और बारिश से बोकारो तरफ से जो पानी आ रहा है इधर, उसमें कुछ लोग हमको सूचना दिया कि मुबारक जी यहाँ रसल वाइपर है। हमने बोला नहीं रसल वाइपर नहीं, बात मानिए रसल वाइपर। दोस्तों नमस्कार, आज बहुत दिन के बाद मौका मिला हमारे आजीज दिल के आजीज मुबारक जी इनके साथ रेस्क्यू कर रहा। और ये चलिए सर सर बाहर निकालिए, बहुत ही बिग साइज का रसल वाइपर दोस्तों आप बना रही है वीडियो में, निकालिए। बाप रे बाप दोस्तों, देख रहे बहुत ही बिग साइज का। बाड़ू नहीं है, बाड़ू साफ नहीं है। अरे बाप रे बाप, इसलिए वैसा ही है लेकिन बाड़ू नहीं है। बैठिए बैठिए, सोचे कि बाड़ू है। नहीं नहीं बापिदा, इसके बारे में दो शब्द बताइए ना, यहाँ यहाँ बैठ करके बताइए लोगों को, बताइए। बैठिए बैठिए, थोड़ा सा कोई काला कपड़ा कपड़ा नहीं होता, काला कपड़ा चुपचाप बैठ जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा। बहुत बहुत बिग साइज, इसका क्या क्या मन खासियत है, इसमें कौन सा टॉक्सिन है, थोड़ा लोगों को बताइए। काला कपड़ा लाते ना तुरंत एक जगह गोल होकर बैठ जाता। अच्छा, ऐसे भी गोल हो जाएगा यहाँ टच करने से। टच करना, ये चूहा वगैरह होगा रूम के अंदर, मत पकड़िए, तो इसको काट देना। वो टच कीजिए, ठीक। ये सीटी भी मारता है ना सर? सीटी मारता है, फुंकारी मारता है। बैठिए ना यहाँ बैठ के लोगों को बताइए इसमें दोस्तों। हाँ हाँ, ये मौत का दूसरा नाम ये है रसल वाइपर। भारत का इस सांप का बहुत बदनाम है सांप, ये जहाँ पर बाइट करता है काटता है वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। और सबसे ज़्यादा ये क्या होता है कि इसमें किडनी अटैक हो जाता है। कोबरा में और करेत में किडनी का अटैक होता नहीं, लेकिन इसमें बाइट करने के बाद किडनी अटैक कर जाता है। ये एक्चुअली इसमें 20% फ्रॉस्ट बाइट तो है, लेकिन इस सांप में खासियत है अगर काट लिया बहुत तेज़ी से स्वेलिंग आ गया, उसके साथ साथ अगर 2 दिन के बाद आपका यूरिन बंद हो गया इस सांप काटने के बाद, यूरिन अगर नहीं हो रहा तो आप सोच लीजिए 100% आपका किडनी में अटैक किया हुआ, और यूरिन बहुत कम मात्रा में आ रहा और यूरिन से ब्लड आ रहा, तो सोचिए क्रिएटिनिन का पोजीशन आपका बहुत हाई बढ़ा होगा। और इसमें कंटिन्यू जो है आपको डायलिसिस का भी ज़रूरत पड़ सकता है। अगर इसमें कम से कम 5 या 8% से ज़्यादा इसमें किडनी का परसेंटेज बढ़ा होगा तो इसमें जो है आपको डायलिसिस करना जरूरी है, डायलिसिस के बाद ब्लड भी देना पड़ता है आपको। और मरीज इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि जगह जगह में फटने लगता है, गैंग्रीन हो जाता है,
और इससे जो है एंटी वेनम बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है। काल एक मरीज को ये सांप बाइट करने के बाद 56 एंटी वेनम लगा है, उड़ीसा कटक में 56 एंटी वेनम लगा है। उसके बाद भी उसका किडनी अटैक किया और 3 बार डायलिसिस होने के बाद अभी हम देख रहे हैं 4.8 उसका किडनी का पोजिशन है। तो मतलब उसको अभी भी कम से कम 20 से 30 दिन तक डर बना रहेगा, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। ये सांप देखा गया 1 महीने का बाद भी मृत्यु होते हुए देखा गया। तो ये देखिए मुबारक जी इसको बहुत। अब हम एक ही शब्द कहना चाहेंगे जी जी कि बापीदा हर दिन लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ओझा गुनी झाड़ फूंक मौलाना मौलवी का चक्कर में ना रहे। और अगर नहीं समझ में आ जाए तो बापीदा का मोबाइल नंबर है जी जी। सर नंबर बताइए ना लोगों को। हाँ मुबारक जी एक चीज बता रहे हैं कि ये जो मंदिर में जाके सांप काटने में सुला दिया प्रथा है, इस चीज को सबसे पहला बंद करना है जी जी। कि सांप काटने मंदिर मस्जिद कहीं मत जाइए साहब। बापीदा का अलग जगह में, आस्था अलग जगह में है, लेकिन भैया अंध आस्था ये नहीं करना, अंधभक्त नहीं बनना है आपको। आपको सांप काटे या बीमारी हो डॉक्टरों के पास जाना है। हम अपना आस्था है भैया पूजा करते वो अलग बात है, लेकिन हम हर बीमारी में जाकर मंदिर में सुला देंगे मरीज को, ऐसा कतई ही नहीं। कभी भगवान नहीं बोला है भाई कैंसर हो गया जो मेरा पास सुला दो हम ठीक कर देंगे, पैर हाथ टूट गया तो मेरा पास सुला दो हम ठीक कर देंगे, अभी कभी नहीं हो सकता ऐसा। और ज़्यादातर यूपी और महाराष्ट्र आपका राजस्थान में हर किसी को शब्दों से होता है मंदिर में सुला, उसका पाप क्या होता है, उनका घर द्वार चलता है पंडित का, ठीक है, वो आपको बेवकूफ़ बना के उनका घर द्वार चला, मर गया तो आपका गया, आपका आदमी मरा। इसे बंगला में चंद्र बोड़ा, हिंदी में बहरा जोड़ा, इंग्लिश में रसल्स भाई पर, हाईली वेनमस स्नैक जी जी, और वो बिग साइज का ही है। और स्नैक बाइट में हमेशा बापीदा का सहारा लें जी। चैनल में नए हैं तो बापीदा का चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा नंबर है 7209464269, इसमें आप कॉल करें, मैं तुरंत आपको गाइडलाइन करूंगा कि कौन सा सांप बाइट किया, जहरीला बिना जहरीला, और कौन सा कहां पर जाना है, क्या एंटी वेनम लेना है, क्या मेडिसिन लेना है, क्या पोजीशन है, हम A to Z आपको बताएंगे, आप गाइडलाइन करें, आपका मरीज को बचाने के पूर्ण प्रयास करेंगे। सर वो ले आइए ना। हाँ डाल देते हैं आज ही, इससे चाहेंगे कि कोई बड़ा फॉरेस्ट में रिलीज कर दे ताकि इस प्रजाति को बचाया जा सके। देखिए तुरंत बाइट करने का मूड बना लिया। देखिए अब टेंडेंसी देखिए इसका बाइट करने की टेंडेंसी देखिए। बहुत बिग ये बड़ा साइज का ये बना है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सर थोड़ा जय हिंद जय भारत। साथियों सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर समय बापीदा सचेत करते हैं लोगों को, क्योंकि बापीदा एक जाने माने स्नैक एक्सपर्ट हैं और रिलीज करने का मजा ही अलग है। हमारा सौभाग्य है कि बापीदा हमारे पप्पू भैया के साथ रिलीज करने का हमें मौका मिल रहा है। सांप को रेस्क्यू कीजिए, समय समय पर फॉरेस्ट में रिलीज करते रहिए, यही है इको बैलेंस सिस्टम जी। जाइए अपने घर की ओर। थोड़ा सा सर उधर कर दीजिए बापी दब, थोड़ा सा उस साइड कर दीजिएगा तो चला जाएगा। पूंछ टच कर दीजिए सर, जाने दीजिए जाने दीजिए। साथियों जय हिंद जय भारत, और मुल्क हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद है और रहेगा।